जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिबा ऑनलाइन क्लासेस में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी में निकली एक और रिलेशन भर्ती के बारे में तो दोस्तों इस साल की ये बहुत बड़ी भर्ती है मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रानी में ये जो सेंटर है कुमाऊ रेजिमेंटल सेंटर ठीक है इस रेजिमेंट में इस साल की पहली भर्ती है और ये बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है जो कि दोस्तों 28 से 31 दिसंबर 2020 के बीच में होनी है तो आज की वीडियो में हम आपके लिए इस भर्ती से रिलेटेड पूरी जानकारी देने वाले हैं कुछ खास है इस वीडियो में इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो भर्ती है वो कुछ डिफरेंट फॉर्मेट में होगी यहाँ पर कास्ट वाइज आपकी भर्ती होगी और किस कास्ट के लोगों को किस दिन जाना है वो हम आपके लिए पूरा के पूरा बताने वाले हैं एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों ये भर्ती केवल रिलेशन के लिए है ओपन कैंडिडेट्स वहां पर जाकर अपना समय बर्बाद ना करें तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं दो बातें बता देना चाहता हूँ नंबर वन ये कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और अगर आप अपने आप आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और दूसरी बात दोस्तों ये है कि ये जो नोटिफिकेशन है काफी धुंधला दिखाई दे रहा है लेकिन आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इस नोटिफिकेशन की जो भी मेन मेन बातें हैं मैं आपके लिए पूरी की पूरी बताने वाला हूँ ठीक है हो सकता है ये नोटिफिकेशन आपके लिए धुंधला दिखाई दे रहा हो लेकिन मेरी जो स्क्रीन पर दोस्तों ये नोटिफिकेशन मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो आप देख सकते हैं दोस्तों सबसे ऊपर है यहाँ पे डेट ऑफ रैली ठीक है यानी कि रैली किस डेट में है उसके बाद में कैटेगरी कि किस ट्रेड की भर्ती है उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ का कॉलम दिया हुआ है उसके बाद में आपको क्लास कॉम्पुले कॉम्पिनेशन वो कंपोजिशन है उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विंग कवर्ड कौन सी डेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट और कौन से स्टेट के जो बच्चे होंगे वो भर्ती में जा सकते हैं और है रिमार्क्स ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 28 दिसंबर से यह भर्ती शुरू है और 28 दिसंबर 2020 के लिए दोस्तों दो ट्रेड्स की भर्ती होनी है नंबर वन सोल्जर जनरल ड्यूटी और नंबर टू सोल्जर ट्रेड्समैन इन दोनों ही भर्ती के लिए दोस्तों आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो एक अक्टूबर दो लास्ट होनी चाहिए सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए एक अक्टूबर उन्नीस से और एक अक्टूबर 2002 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए और सोल्जर ट्रेड्समैन की भर्ती देखने के लिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो एक अक्टूबर उन्नीस से दो के बीच में होनी चाहिए ठीक है उसके बाद में आपका जो क्लास कंपोजिशन है तो इस भर्ती के लिए दोस्तों 28 दिसंबर के लिए ये जो भर्ती है ट्रेड्समैन और जीडी की इसके लिए कुमाऊनी गढ़वाली और गोरखा कैंडिडेट से देख सकते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इन कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप इस भर्ती में 28 दिसंबर को जा सकते हैं अगर आप इस कास्ट से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपकी भी डेट आगे आने वाली है है वीडियो में बने रहिए ठीक है। है? उसके बाद अगर आप की भर्ती देखते हैं तो आप ऑल कास्ट ठीक है मतलब आप ऑल कास्ट किसी भी कास्ट से संबंधित हैं तो आप इस भर्ती में ट्रेडमैन की भर्ती देखने के लिए जा सकते हैं लेकिन ध्यान रखिएगा जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी की भर्ती आप नहीं देख पाएंगे उसके बाद में दोस्तों डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट्स बिंग कवर्ड तो यहाँ पर कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट कवर की जाएंगी सबसे नंबर वन पे है पिथौरागढ़ उसके बाद में है चंपावत और उसके बाद में है भागेश्वर ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों सोल्जर जनरल ड्यूटी और सोल्जर ट्रेड्समैन की जो अट्ठाईस दिसंबर की भर्ती है उसकी कहानी खत्म होती है अभी हम चलते हैं आगे उसके बाद में है दोस्तों उनतीस दिसंबर उनतीस दिसंबर के लिए सोलिनजल जनरल ड्यूटी की ओनली भर्ती है इसके लिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो एक अक्टूबर उन्नीस से एक अक्टूबर दो के बीच में होनी चाहिए और आपकी जो कास्ट है कुमाऊनी गढ़वाली और गोरखा इस भर्ती में जा सकते हैं लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चेंज हैं डिस्ट्रिक्ट हैं दोस्तों आपके यहाँ पे अल्मोड़ा उधम सिंह नगर नैनीताल और बैलेंस उत्तराखंड ठीक है एक बार डिस्ट्रिक्ट्स को मैं और बता देता हूँ अल्मोड़ा ऊधम सिंह नगर नैनीताल और बैलेंस उत्तराखंड ठीक है मतलब उत्तराखंड की और जो डिस्ट्रिक्ट्स बची हैं वो इस दिन जा सकती हैं उसके बाद में दोस्तों तीस दिसंबर के लिए भर्ती है तीस दिसंबर के लिए सोल्जर जनरल ड्यूटी की फिर से भर्ती है डेट ऑफ बर्थ इसके लिए एक अक्टूबर उन्नीस से एक अक्टूबर दो दो के बीच में होनी चाहिए और इस भर्ती में दोस्तों यानी कि यादव राजपूत और नागा कास्ट के जो कैंडिडेट्स होंगे वो भर्ती देखने जा सकते हैं और दोस्तों कौन कौन से स्टेट के बंदे इसमें भर्ती में जा सकते हैं उनका है नाम उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश हरियाणा राजस्थान नॉर्थ ईस्ट स्टेट नॉर्थ ईस्ट में सेवन सिस्टर्स दोस्तों सात स्टेट हैं जिनके बंदे इसमें जा सकते हैं तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश हरियाणा राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट 30 के लिए सोल्जर जनरल ड्यूटी की भर्ती देखने के लिए राजपूत अहिर और नागा कास्ट के लोग जा सकते हैं उसके बाद दोस्तों इकतीस दिसंबर 2020 के लिए स्पोर्ट्समैन की भर्ती है जो कि एक अक्टूबर उन्नीस से एक अक्टूबर 2002 के बीच में जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो जा सकते हैं ऑल क्लास ऑल कास्ट की भर्ती है दोस्तों और ये ऑल इंडिया भर्ती है आप कोई भी स्टेट के रहने वाले हैं तो आप इस भर्ती में जा सकते हैं ठीक है उसके बाद दोस्तों तीन जनवरी से सोलह जनवरी दो के बीच में आपके डॉक्यूमेंटेशन होगा उसके बाद में दोस्तों बारह जनवरी दो हजार इक्कीस के बाद में आपका मेडिकल टेस्ट होगा और अट्ठाईस फरवरी दो हजार इक्कीस के लिए आपका जो है वो सी ई यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जिसके लिए हम सिंपल भाषा में रिटर्न एग्जाम बोलते हैं ये टेस्ट आपका लिया जाएगा ये टेस्ट होगा आपका सोमनाथ ग्राउंड में कुमाऊँ रेजिमेंटल सेंटर और आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा जी एक ट्रेनिंग ऑफिस के आर सी ठीक है उसके बाद में मेडिकल होगा दोस्तों आपका एम आई रूम के आर सी ठीक है ये डिटेल्स हो आपकी भर्ती की उसके बाद में कुछ डॉक्यूमेंटेशन और जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता दू तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम आपके लिए आर्मी की और जो भी डिफेंस की भर्ती होती है उनकी जानकारी लेकर आते रहते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों

आउट आउट स्टैंडिंग है ठीक है और जो आपके लिए इस भर्ती में ले जाने के लिए दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से सर्टिफिकेट्स की आपको जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर सर्टिफिकेट्स हैं दोस्तों आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी पब्लिक स्कूल इन केस कैंडिडेट्स इज क्लास एट पास ही शुड सबमिट क्लास एट पास सर्टिफिकेट ड्यूली साइड बाई प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल एंड काउंटर साइन बाई डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ठीक है तो यहाँ पर उसके बाद में आपको डोमेसिल सर्टिफिकेट साइन बाई डी एम एच डी एम डी सी और तहसीलदार और कास्ट सर्टिफिकेट साइन बाई डीएम एस डी एम डी सी और तहसीलदार तो आपके लिए डोमेसिल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र और आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट हैं वो लेकर जाने होंगे तो अगर आप टेंथ एट क्लास पास हैं अगर आप टेट्समैन की भर्ती देखने जाएंगे और आठवीं पास हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो आपका दोस्तों प्रिंसिपल से साइन होना चाहिए और आपका जो काउंटर साइन होगा उसमें वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डी का साइन होना ज़रूरी है ठीक है और आपके लिए भर्ती के लिए दोस्तों अट्ठाईस दिसंबर के लिए जैसे कि मैंने ऊपर बताया डेट वाइज साढ़े पाँच बजे आपको ग्राउंड में पहुंच जाना है फॉर फर्दर स्क्रीनिंग तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए डिफेंस से संबंधित पूरी वीडियोज लेकर आते रहते हैं तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद जय जै भारत